Hey guys, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Priya's Cooking World and Bakery. Guys, आज मैं कपकेक और एक स्पंज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड की थी पर पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, तो दोबारा से मैं इसे अपलोड कर रही हूँ. प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें. एंड ये कपकेक की रेसिपी गाइज बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत टेस्टी है. प्लीज़ इसे ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी. एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ऐड करना है हाफ कप मलाई, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप पिसी हुई चीनी. तीनों चीज़ों को मिला के एक पेस्ट बनाना है. साथ ही लेंगे दूसरा बाउल, उसमें ऐड करना है हाफ कप बाजार वाला दही और साथ ही ऐड करेंगे 3/4 कप मैदा, 1 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/2 TSP बेकिंग सोडा. साथ ही इसमें हमने मिल्क पाउडर और मलाई का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करना है. जितना भी पेस्ट हमने बनाया था सारा इसमें ऐड कर देना है. साथ ही इसमें ऐड करना है 1/4 कप मिल्क. मिल्क और दही दोनों ही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए. ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल केक बनाने में नहीं किया जाता है. सारी चीज़ों को डालकर एक तरफ हाथ घुमाते हुए हमें एक बैटर बनाना है. जिस तरह मेरे हाथ का डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ चल रहा है उसी तरह से हमें बैटर बनाना है. इसका एक रीज़न होता है, अगर आप एक साइड से बैटर बनाते हैं तो बैटर में एयर आ जाती है जिससे आपका स्पंज फूल जाता है. साथ ही साथ स्पैचुला से एक बार चारों तरफ से बैटर को निकालेंगे ताकि जहाँ पर सूखी हुई मैदा बाकी बची हुई हो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए. बैटर को इतना बीट करना है जब तक उसमें उसके सारी जो गांठे वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएं. आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है. अभी इसमें ऐड करना है 1 TSP वनीला एसेंस एंड 1/4 TSP मिल्क एसेंस. अगर आपके पास मिल्क एसेंस नहीं है तो यहाँ पर आप इलायची पाउडर या रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं. साथ ही इसमें ऐड करना है 1 TBSP ऑयल. ऑयल को हमेशा लास्ट में ही ऐड करना है. अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो गाइस यकीन मानिए आपका स्पंज भी एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा. साथ ही मैंने अपने OTC को प्री हीट होने के लिए रख दिया था. अभी मैं कपकेक के जो मोल्ड्स हैं उनको ग्रीस कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल के साथ में. अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो जो चाय के डिस्पोजल कप आते हैं पेपर वाले आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आपको इसी तरह रिफाइंड ऑयल से उसे ग्रीस करना है, उसको चारों तरफ से ऑयल लगाना है, उसके बाद में उसमें बैटर डालना है. ग्रीस करने के बाद यहाँ पे मैं एक आइसक्रीम कटर के हेल्प से बैटर डाल रही हूँ. आइसक्रीम कटर से बैटर इक्वल क्वांटिटी में आ जाता है और यदि आपका बैटर इक्वल क्वांटिटी में है तो आपके सारे मफिन्स और कपकेक का साइज इक्वल होगा, वो एक साथ अच्छे से बेक होंगे. आप किसी स्पून के हेल्प से भी यहाँ पे बैटर डाल सकते हैं. बैटर डालने के बाद में इसे अच्छे से टैप करना है ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं. एयर बबल्स निकल जाते हैं तो केक एकदम ऊंचा नीचा नहीं होता, सेम एक अच्छी जो शेप होती है परफेक्ट उसमें आता है. फाइनली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी और कुछ ड्राई फ्रूट्स. आप चाहें तो बिना टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स के भी इन्हें बना सकते हैं या फिर किसी एक या दो ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इन्हें बना सकते हैं. बाकी के बचे हुए बैटर को मैं एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा बैटर नहीं था ये, 3/4 कप मैदा के साथ में हमने ये बैटर बनाया था. अगर आप इसके सारे मफिन्स बनाएंगी तो लगभग 10 से 12 मफिन्स आपकी बनकर तैयार हो जाएंगे. यहाँ पे ये मेरा 3 इंचेस का मोल्ड था जिसमें मैंने ये बाकी का बैटर इसमें डाला है. बैटर डालने के बाद इसे भी अच्छे से टैप करना है, साथ ही साथ इसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी ऐड कर देने हैं. ऐड कर देने के बाद में मैं इसे बेक करने के लिए रखूँगी. स्पंज को मैंने 30 मिनट के बाद निकाला था और मफिन्स को मैंने 15 मिनट के बाद OTG से बाहर निकाला था. आप देखें गाइस कितने परफेक्ट और कितने अच्छे से ये बेक हुए हैं. इनका कलर और टेक्सचर एकदम परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी थे ये.
ठंडा होने के बाद ही निकाले, यहाँ पे मफिन्स गर्म थे तो मैं सारे मफिन्स नहीं निकाल पाई थी। साथ ही साथ स्पंज को भी जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी बाहर निकालें, उससे पहले नहीं निकालें नहीं तो वो टूट जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यमी स्पंज ये बन के तैयार हुआ था गाइस। आप चाहें तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं, चाहें तो इस पे आइसिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।